नमस्कार, कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में आपकी स्वागत बा। बुद्ध टेलीविजन पर कार्यक्रम लेके अगली रात इसने कैमरा पर्सन नारायण के साथ में ये कार्यक्रम आप हर एक सोम के ऐसे हर एक मंगल के और हर एक बुध के ठीक है इतने समय से देख सकल सत ते कार्यक्रम रहे कि हमन के समाज के विकृति कौन कौन चीज़ बा ओकरे हमरे कैसे हटा सके और हमन के अपन जीवन कैसे सफल बना सके और साथ में जाके हमन के अपन जीवन सफल बनाए खातिन त मने जान पहचान व्यक्ति से हमारे वहाँ के विचार भी आदान प्रदान कल जत ते ऐसे आज हमारे नवता धल गिल बा रेखा प्रसाद चौधरी जोन की नेपाल थारू राष्ट्रीय मंच रूपंदे के अध्यक्ष होने हमारे वहाँ से के बातचीत कल जी ते आप भी कार्यक्रम में संगरी साथ रह जी ऐसे हमारे कार्यक्रम में वहाँ की स्वागत कल जत बा कार्यक्रम में आपकी स्वागत बा धन्यवाद। हाँ ते वैसे आप हमन के न्योता स्वीकार कल गिल बा खुशी के बात बा ते वैसे हमन के अपन जीवन सफल बनाए के तमाने व्यक्ति कार्यरत रहने कोनो भी व्यक्ति कोनो नहीं सोचत कि हम अपन जीवन में असफल होंगे कि ते वास्तव में अब हर एक व्यक्ति की अपन अपन सोच रहते कोनो व्यक्ति कौन हिसाब से सफलता के परिभाषा देते ते कौन व्यक्ति कौन हिसाब से बकिन का आपके विचार में एठू सफलता काल के एक कैसे परिभाषित कह सकल यानी कि सफलता काल के का बुझल जाता सफलता काल के खातिर अपने सफल भैले से सफलता प्राप्त नहीं होला। सफल होए के खातिर संपूर्ण मानवजात के जो हर एक समुदाय के व्यक्ति लोग जो पढ़ल लिखल बाटे उ अपन ज्ञान जब तक अपने समुदाय में अपन समाज में जब तक उ ज्ञान बटिए नहीं तब तक उ उनके सफल भैल ना भैल के बराबर रहला। एक एक सफल होए के खातिर संपूर्ण के सफल होइल जरूरी बा। हाँ तो वैसे जैसे अब कौन व्यक्ति रहने अब अपने हिसाब से ढेर धन अर्जन कैले रहने और कितने व्यक्ति रहने की डिग्री पीएचडी कैले रहने वो अपने आप के सफल व्यक्ति बुझने बकिन का अब कितना व्यक्ति बाटे जो उनकी ओखन के ज्ञान रहला बकिन का ओखन के जैसे अब एकेडमी क्वालिफिकेशन हमारे खाल जी शैक्षिक योग्यता मैंने कम रहला ते अब जैसे कोनो भी व्यक्ति दूसरे के समाज सेवा में कहल जाए या दूसरे के फायदा पुगे खातिर नहीं लगल बा बकिन का डिग्री पीएचडी के लिए हमरे ओके सफल माने सके कि नहीं ओके एक किस्म के व्यक्ति सफल भइल कह के मान सकल जाला। लेकिन अगर ओके सफल कराए के बाद तब अपन समुदाय में भी जो उनके समुदाय के जो पीछे जो पीढ़ी बा उनके भी सफल कराए के पड़ल। आज देखल जा तब जौन संपत्ति के बात आयल संपत्ति कुछ छड़ी के जीवन के लिए होला। संपत्ति आज हो सकल बिहार नहीं हो लेकिन उ संपत्ति हमन के समाज में अगर जो ज्ञान के रूप में अगर बांटल जाता तो उ हमन के जिंदगी भर के लिए समझना रहला। जब तक हमन के अपन ज्ञान सीखले बांटल जा उ ज्ञान दूसरे के बांटल नहीं जाए तब तक उ कोनो संपत्ति हमन के जो रखल बा रखले रह जाए। जैसे देखल जाए तो भगवान गौतम बुद्ध भी उनके अपन ज्ञान पूरा विश्व में बांटने तब आज भगवान गौतम बुद्ध के यहाँ उनके आज भी नाम चलत बा। कल के मतलब जैसे हमारे सफलता प्राप्त करे खातिर कौन भी क्षेत्र में हमारे उस क्षेत्र में हमारे बिगड़ रह बा बकिन का जो चीज़ हमन लगबा दूसरे के हमारे बांटे सके परी। हाँ ओके तो बांटल जरूरी बा। ज्ञान ऐसा चीज हो फिर अब देखल जाए तो ज्ञान कौनों के ज्ञान ऐसा होला कि जो व्यक्ति ले ज्ञान आवाला ओकर जो जीवन में बा कौनो ऐसा आंतरिक ज्ञान रहला उ हाली दूसरे के बांट नहीं पावला। लेकिन जौन ओकर कुछ अंश बांट सकला उ समाज में तो उ बांटे के उ बांटी। लेकिन समाज में रहे वाला जो युवा पीढ़ी और जो हमन के समुदाय के बांटे उनके भी अर्जन करे पड़ल। जैसे उ ज्ञान तो बांटा तटे तो ज्ञान लिहे वालन के भी जरूरी बा। जैसे दीहे वालन के देना जरूरी बा उन लिहे वालन के भी जरूरी हम मानल कल के मतलब जैसे कोनो भी व्यक्ति ओकर लग कुछ क्वालिटी यानी कि गुण बा तो दूसरे के बांटे के चाही बाकी लिहे वाला व्यक्ति भी वह अनुसार के होय पड़ल होय पड़ल। हाँ तो वैसे हमारे इतना घड़ी बातचीत कल जत बा कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में और आज हम लगा अतिथि बाटे रेखा प्रसाद चौधरी जमकी वहाँ नेपाल राष्ट्रीय नेपाल थारू राष्ट्रीय मंच रूपंदे के अध्यक्ष होने हमारे वहाँ से रह के बातचीत कर जत बा आप भी संगरी साथ बाटी हमन के विश्वास बा ते वैसे हमन के जो नेपाल थारू राष्ट्रीय मंच बा अब वैसे कहा जा एक गठन कल के उद्देश्य का होते एक गठन उद्देश्य का हो कि मतलब जो समाज में यहाँ देखल जात
तो बहुत से किस्म के थारू संघ संस्था बा। नेपाल में सबसे थारू सबसे पुरान संस्था देखल जाए तो थारू कर्णकारी संस्था हो, लेकिन वो एकदम चले माल न भैल के नाते आज थारू में भी विभिन्न किस्म के संघ संस्था बा देखल जाए। तो वैसे आज हम नेपाल थारू राष्ट्रीय मंच के रूप में एक गठन कैले बाटी कि कोनो भी माध्यम से भी थारू लोग आगे आवे, लेकिन हमन के थारू समुदाय में का बा कोनो पद धारण करे के लिए हमन के अपने धारण नहीं करल जाला, दूसरे व्यक्ति के कहा जाला कि तू जा आगे तू जा आगे, लेकिन जब तक हमन के अब अपने आगे नहीं आवल जाए तब तक हमन के समाज में कोनो किस्म के ज्ञान भी नहीं फैला पावल जाए। ओकर ज्ञान फैलाए के लिए हमन के अब हमन के आपस में कि हमें फलाना पद चाहिए, अब हमें अध्यक्ष पद चाहिए, हमें सचिव पद चाहिए, हमें कोषाध्यक्ष पद चाहिए कहे के अपने आए पड़ल, अब जबरदस्ती नहीं करब कि ला फलना बाबू तू बैठ जा फलना बाबू तू बैठ वैसा नहीं कहे पड़ल। अब हमें समाज में सुधार करे के बाद अब हम फलाना पद लेके हम फलाना काम कर में कह के आगे आए पड़ल। हाँ, तो वैसे नेपाल थारू राष्ट्रीय मंच थारू कर्णकारी सभा के भातृ संगठन तेना हो भातृ संगठन नहीं हो। हाँ, तो वैसे अजी से अब थारू कर्णकारी सभा बा अब डेढ़ वर्ष हो चुकल, लगभग 71 वर्ष हो चुकल गठन भैले, बकिन का अभिन तक अब वैसे कहा जाते उल्लेखनीय काम करे नहीं सकले बा, बकिन का जोन आपके नेपाल थारू राष्ट्रीय मंच बा अब कौन हिसाब से ओके चुनौती दे सकल जी। अब नेपाल थारू राष्ट्रीय मंच जोन हमन के थारू समुदाय एक किस्म के कहल जा तब सूतल समाज हो, इस सूतल समाज के आगे बढ़ाए के लिए हमन के बहुत संघर्ष करे पड़ी। आज देखल जा थारू कर्णकारी जोन किस्म के आगे बढ़ल, लेकिन अगर यह और अन्य कोनो समुदाय के देखल जा तो समुदाय के आदमी के मतलब व्यक्ति के ऊपर भर पड़ाला कि समुदाय कैसे आगे बढ़ल जा, लेकिन हमन के समुदाय में थोड़ा हिचातानी अगर कोनो व्यक्ति आगे बढ़ाता तो गोड़ताने वाला प्रवृत्ति ज़्यादा बा, लेकिन हमन के सहयोग के भावना नहीं बा। एक जौन कहल जाला कि सहयोग करल जा उ आगे बढ़ी तो अगर उ आगे बढ़ी तो नीचे वाले के भी ताने, हमन के ऊपर ताने वाला सिस्टम नहीं बा, जो ऊपर बैठल बा ओके नीचे ताने वाला गोड़ पकड़ के ताने वाला हमन के हावी बा आज। एक लिए आज हमन के जौन सूतल समाज बा एकर जागरूक करे के लिए नेपाल थारू राष्ट्रीय मंच जोन हम गठन कैले बाटी आप लोग साथ दिया जा, और फिर जौन देखल जा जौन समाज जागल बा उ समाज के युवा लोग अगर सूता तटे तो कोनो उ लोग के फर्क नहीं पड़ी, लेकिन हमन के थारू समाज जौन सूतल बा आज हमन के घर युवा लोग अगर सूत जल जाए हमन के समाज और पीछे चल जाए कह के हम आपसे कहत बाटी। हाँ, तो वैसे हमन के नेपाल थारू राष्ट्रीय मंच बा अब कौन हिसाब से ये कैसन कैसन क्षेत्र में काम करी? अब कैसन क्षेत्र के काम करे मतलब हरेक क्षेत्र में, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में भइल, आपके राजनीतिक क्षेत्र में भइल, सामाजिक क्षेत्र में भइल, विभिन्न किस्म के जौन हमन के समाज के थारू लोग बाटे लागू औषध में फसल बाटे उ हरेक दलदल से निकाले के लिए उ थारू समाज के लिए चेतना फैलाए के लिए अब आगे बढ़ी। हाँ, ये समुदाय काहे पछड़ल बात जैसा लागत आपके विचार में, जिसे अब अनुसंधान के हिसाब से इस समाज में काहे पछड़ल बा खास करके हमन के आत्मविश्वास के कमी भैले के नाते पछड़ल बा। अगर आत्मविश्वास आत्मबल लेके हमन के अगर काम करल जा तो हमन के समाज भी आगे बढ़ी, लेकिन आज देखल जा हमन के थारू समाज एक के किस्म के हमन के थोड़ा बाकी तराई क्षेत्र में हमन के जौन खेती किसानी करल जाला आज आपके देखल जाए तब यहाँ बहुत से किस्म के मल व्यू खाद नहीं मिला था, लेकिन अगर यह समय से हमन के खेती करल जा तो यहाँ भी हमन के बढ़िया उत्पादन ले सकल जाला। हमन के थारू समुदाय खेती किसानी बाहेक अन्य कोनो रोजी रोजगारी में ना भैले के नाते आज हमन के थोड़ा पीछे पड़ल बाटिल जा। हाँ, तो वैसे इतना करी हमरे बातचीत कल जत बा कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में रहकर ऐसे आज हम लोग अतिथि बाटे रेखा प्रसाद चौधरी नेपाल थारू राष्ट्रीय मंच रूपंदे के अध्यक्ष और हमरे हमन के कैमरा पर्सन बाटे नारायण वहाँ के साथ में हमरे बाटी। तो वैसे हमन के जोन इस समाज के तमाम प्रकार के विकृति विसंगति बा, जिससे अब कहा जाए हमन के घरेलू हिंसा ज्यों के त्यों बटले बा, इसने हमन के लागू औषध द्रव्यशन बटले बा, और हमन के कितना जोन बेरोजगार युवा लोगन बाटे अब नेपाल में काम ना पाके
विदेश पलायन होत बाटे इस समस्या के हमारे समाधान कौन हिसाब से कैसे के एग्जिस्टन लागत अब जैसे कितना जने कहने कि ओखन लाख सिप नाई बा कोनो गुड नाई बा मारे भरे जात बाटे के कितने जन के रह रहत कितना जन के बाधिता ते आखिर वास्तव में का हो जिसन लागत अभी विचार में ई बात अब जैसे बाकी जौन हमन के विदेश पलायन के जौन कहल जाता आज हमन के युवा लोगन के नेपाल के युवा लोगन के विदेश पलायन न कह के हमन के नेपाल में ही रोजगार दे सकल जाला आज देखल जा हमन के तराई क्षेत्र में आ पहाड़ क्षेत्र में बहुत से ऐसा जगह जमीन जगह बा आपके देखल जा तो खेती न कैले नाते वैसे बाझो पड़ल बा आज वो खेती में हमन के अगर वैज्ञानिक तरीका से आपके तरकारी खेती करल जा अन्य कोनो कृषि व्यवसाय करल जा तो वह में हमन के आगे बढ़ सकल जाला आज हमन के युवा लोग बाहर युवा लोगन के बाहर भेजल जाता अगर वह युवा लोगन के हमन के यहाँ अगर खेती में बढ़िया से ध्यान दे के करावल जा तो यहाँ ऑर्गेनिक खेती एकदम स्वच्छ सब्जी मिल सकल आज देखल जाए तब सुनौली बॉर्डर में विषादी युक्त आज भरावा के अब देवकोटा चौक में अगर खड़ा होकर देखल जा तो दिन प्रतिदिन हजारों सौ के संख्या में गाड़ी आ गाय भरल तरकारी सब्जी आवाला लेकिन वो सब्जी आज देखल जाए तो विषादी बा लेकिन जब हमन के नेपाल में उत्पादन करल जाए तो विषादी कम हो ऑर्गेनिक तरीका से हमन के खेती करल जाए ओकरे लिए नेपाल सरकार के भी ध्यान दिए के पड़ल हाँ तो हमन के जो बेरोजगार युवा बाटे हमारे उखान के कैसे परिचालित कैसे गिजिशन लगत परिचालन करे के लिए अब चेतनामूलक कार्यक्रम लाए पड़ल जैसे विभिन्न किस्म के जौन हमन के तालीम दिए पड़ल जैसे अब तालीम में भाई भाई कृषि तालीम में दिए पड़ल कृषि तालीम में तमाम तालीम आवाला मुर्गी फार्म के हमन के तालीम लिए पड़ल माछा पालन के तालीम लिए पड़ल खेती किसानी के तालीम लिए पड़ल हमन के जब तक तालीम नहीं लिया जाए तब तक हमन के बिना तालीम ले हमन के थोड़ा माइनस हो सकल जाला लेकिन हमन के तालीम लेके तालीम प्राप्त करके अगर करल जाए तो हमन के सक्सेस हो जाए सक्सेस होए के खातिर नेपाल सरकार के भी ध्यान दिए पड़ल जब नेपाल सरकार में आज देखल जा तो विभिन्न किस्म के भ्रष्टाचार होत बा लेकिन आज मंत्री लोग प्रधानमंत्री लोग देखल जाए तो भ्रष्टाचार लोग कहने उन्मूलन करल जाए लेकिन खाली एक भाषण के रूप में खाली सीमित बा कार्यान्वयन नहीं हो पावा था अति विषय मन के जो समाज के विकृति बीच संगति हटाए के लिए अब जैसे हर एक जगह में जो कार्यक्रम होत रहते और कार्यक्रम में जो समाज के अगुआ लोगन हमारे कहा जी या नेता लोगन कहा जी वो सब भी भाषण देते रहने बगिन का समाज की विकृति काहे हट नहीं सकते समाज के विकृति काहे नहीं हट सकल कह के जौन हमन के यहाँ के जौन आजा बाबा लोग मानत आ गए न अब से पहले भी कहली कि ला तू फलाने पद में रहा हम पीछे से सहयोग करब लेकिन जब वो लोग कहीं सहयोग करब लेकिन जौन यहाँ के सामान्य शोषक लोग बाटें हर एक जात में बाँटे थारू एम नाई बाँटे ब्राह्मण में भी बाँटे मदेशी में बाँटे मुस्लिम में भी बाँटे तो उ लोग शोषक लोग भी अपने समुदाय के एकदम दबा के रखले बाँटे आज ऊपर न आइले के कारण ही है बा आज देखल जाए हमन के कोनो भी कार्यक्रम में देखल जाए कहीं अपन जातीय पोशाक लगा के आवा लेकिन जातीय पोशाक लगा के आए तो ठीक है बा लेकिन हम के जातीय पोशाक के यहाँ मान्यता कहीं नहीं बा देखल जाए तब एक के किस्म के भाषा बा हमन के जो भाषा बोला थी ये अवधि भाषा हो ये भाषा भी तो एक किस्म के मान्यता प्राप्त होए चाहिए लेकिन काहे एक के किस्म के भाषा बा तो मतलब ये भाषी की भी भ्रष्टाचार बा यहाँ एक खातिर अब हमन के जो भाषा में खाली ध्यान नहीं दिए पड़ल हाँ तो जो हमन के नेता लोगन बाटे वो सब भी जिससे अब आज कार्यक्रम होत बा ते भाषण छठिया ऐसा हम कह देव ये गाँव में इस समाज में बकिन का कार्यक्रम और विलम्ब फिर कहने के जो कार्यों ने कहना जो एठू क्षमता बाबू नहीं हो पावला हाँ वास्तव में हो पावला फिर कहा कि हमन के गांव गांव में जो धारणा बा उ लोग के कोनो किस्म के ध्यान नहीं लगा रहा कि कौन पार्टी कौन नेता के आयल बा नहीं आज देखल जाए तो विगत के दिन में हमहूँ प्रदेश सभा के उम्मीदवार रही तब पर हमन के ओना प्रचलित नहीं रह गए तब पर भी
कि हमन के कैसे समाज के हर एक समाज के सहयोग करल जाए कह के ये भावना हमन के लिए कायल गया, लेकिन इस समाज के हमन के सुधार नहीं पावल जाता, एक दुख लागला। अति वैसे जो कितना युवा लोग बाटे बैचलर या डिग्री कह के वैसे घूमत बाटे अखन लगे कौन भी एक ठू काम करना क्षमता अखन के नहीं बा, यानी कि ओकरे नौकरी खोजत बाटे बाकी का नौकरी भी नहीं पात बाटे, तो अखन के विकल्प का हो सकी और ओकर बाइक के। अब एकर विकल्प जैसे जौन लाइन में जे विज्ञ बा वह किस्म के इस सरकार उ लोग के जागीर दिए के चाही, जब तक जे जौन लाइन में विज्ञ बा जैसे कोनो मैकेनिक लाइन में बा तो उनके मैकेनिक लाइन में जॉब दिए के चाही, कोनो मास्टर के लाइन में बा तो उनके मास्टर में जॉब दिए के चाही, कोनो टेक्निकल के दिमाग बा तो उनके टेक्निकल के दिमाग दिए के परी नहीं, जब तक हमन के उनकर लाइन ना हमन के पकड़ पाए के तब तक हमन के समाज में आज डिग्री कह के बैठे वाले युवक भी घरे बैठल बाटे। आज वो युवक लोग लास्ट में उनके कहे ना कि हमें ना नौकरी नहीं मिला, जागीर नहीं मिला, ओकर प्रतिकार करे के लिए लास्ट में वो लागू औसत में ही फसल बाटे हमें जहाँ तक लागा था। हाँ तो वैसे हमन के इतना घर जो सीजन बा खेतीपाती अब पानी भी हमन के घाल जा भर के थोड़ थोड़ बरसत बा, बकिन का जितना किसान बाटे वो वैसे ते मरकम पड़ल बाटे, 50% भी वास्तव में गांव गांव में देखल जाते अभी बैठने नहीं होल बा, अब भर के शुरू भले कुछ पानी बरसत बा, बकिन का हमन के कैसे अब आय अर्जन और वृद्धि कई सके जिसन लगाते, अब खेतीपाती धान और गेहूँ लगा के भर की ओकर साथ में और विकल्प हो सकी। अब हमन के खेती धान गेहूँ उखड़ी खेती लगा के हमन के जौन किस्म के घाटम बाटिल जा हमन के कौनो वैज्ञानिक तरीका से खेती कैल जा। आज देखल जा नेपाल में चीनी मिल जौन यहाँ के किसान लोग उखड़ी तैयार करत हने, लेकिन आज नेपाल में चीनी मिल ना भैले के नाते यहाँ के कृषक लोग के जौन नब्बे बाली कहल जाए उखड़ी, आज रूपनदेही में तो थोड़ा उखड़ी कम होला, लेकिन नवल परासी क्षेत्र में देखल जाए तो एरिया में थोड़ा जब बारिश होला तो वो सब एरिया डुबान में रहला, तो डुबान में रहला तो वो एरिया में उखड़ी लगावान है, लेकिन यहाँ उखड़ी के जौन चीनी मिल बा बंद भैले के कारण आज कितना वो नवल परासी एरिया के अन्य जौन एरिया के थोड़ा जो नीचे सतह में जमीन बा वो लोग मार्का में बाटे हैं, उखड़ी तो उत्पादन कई देना है लेकिन उत्पादन कई के कहाँ ले जाके बेचें, एकरे लिए सरकार वो लोग के जौन उत्पादन होता जैसे हमन के धान कहल जा गेहूँ कहल जा सब्जी कहल जा वो सरकार के लिए के जन्ना उत्पादन हो सरकार व्यवस्था करे, किसान तो उत्पादन कह दी लेकिन वो बाजार बाजारीकरण नहीं कह पावला, बाजारीकरण करे के लिए सरकार के ही ध्यान दिए पड़ी, जब तक सरकार ध्यान नहीं दे तो हमन के कोनो भी किस्म के खेती करल जाता वो ले जाके बेचल कहाँ जाए। देखल जा आज नेपाल में खाद के अभाव बा, आज जौन किस्म के आज यहाँ खेती होता बिना खाद डलले वो खेती फसल बढ़िया नहीं होत बा, एकरे लिए सरकार के समय से पानी समय से खाद हर एक चीज़ के पोटासियम युक्त जौन सामान आवाला कीड़ा मारे वाला वो ऑर्गेनिक तरीका से ओके आगे बढ़ावे कह के हम कहत बाटे। आपके जो संस्था बा नेपाल थारू राष्ट्रीय मन से अब आगामी योजना के बारे में कुछ कह सकल जी कि जौन कि हमन के युवा लोगन बाटी ओखन के खातिर कुछ योजना बा आगामी के लिए। अब मेन ये हमन के अब युवा के रोके के लिए हमन के स्वदेश में ही रोजगार दिहल जरूरी बा, स्वदेश में रोजगार दिए के खातिर हमन के यहाँ अब का कह सकल जाला, जैसे हमन के युवा लोगन के हमन के विदेश में पठावल जाला, आज एक उदाहरण दे थी आपके काठमांडू जाए के लिए कोनो भी साधन मिनिमम देखल जाए तो 5 या 6 घंटा लागला, लेकिन आपके दुबई कतार मलेशिया पहुँचे के लिए 1 घंटा लागला, तो हमन के यहाँ उत्पादन कई के उ चीज़ हमन के यहाँ के युवक लोगन के न भेज के यहाँ के उत्पादन जौन बा यहाँ के नगदे वाली में देखल जाए गोभी टमाटर मरचा लहसुन हमन के विदेश पठा सकल जाला।
आज विदेश पठावल जाए हमन के युवक लोगन के नहीं पठाए हमन के सामान पठाए पड़ी, लेकिन सरकार एक लिए व्यवस्था कई दिए पड़ल। आज ऑर्गेनिक सब्जी खाए के लिए विदेश के लोग तरसे ने, दुनिया हमने के तरसे जाला। देखल जा यहाँ भारत से दुनिया भरी के सब्जी आवाला, लेकिन नेपाल के सब्जी कहाँ जाता, नेपाल में नहीं बा। जबकि हमन के पास जमीन प्रशस्त जमीन बा, इस जमीन हमन के ऑर्गेनिक तरीका से खेती करके हमन के इस सब्जी उल्टा हमन के भारत में पटा सकल जाला, हमन के चाइना पटा सकल जाला, हमन के आपके सऊदी कतार दुबई मलेशिया पटा सकल जाला। ऐसे हमन के सब्जी पठावल जे हमन के जौन आज देखल जाता युवक लोग यहाँ हर्षो उल्लास के साथ में विदेश जाने, लेकिन बहुत दुख से कहा जाला कि वो लोग दो चार महीना के बाद बक्सा में पैक होके आवाना, दुख लागला। आते उसे हमारे कार्यक्रम में रहते विद्यालय से मैं हो गई बातें, आप कार्यक्रम में साधन के करती आपके हृदय से धन्यवाद देख चल जब धन्यवाद आपके भी। और आज बुद्ध टेलीविजन जो विश्वसनीय टेलीविजन में आप लोग हमके न्योता दे के दो चार शब्द हमें कहे के मौका दिया गया, एक लिए बुद्ध टेलीविजन के संपूर्ण सदस्य लोगन के हार्दिक धन्यवाद दे बाटी। हाँ तो वैसे हमारे कार्यक्रम में रहते विद्यालय से हो गई बातें कार्यक्रम में साधल करती आपके हृदय से धन्यवाद। इसी ने कैमरा पर्सन नारायण उन्होंने विशेष धन्यवाद दी कार्यक्रम देखते रह जी, ऐसे नहीं देखल जी बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन कहते हम संचालक राज्य आपसे विदा होती। नमस्ते।